गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज अनुष्का और आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आप लोगों को पता ही होगा कि इग्नू जून 2023 एग्ज़ाम जिसने भी दिए थे उन सबका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आप लोग चेक कर चुके हो तो अपना रिजल्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप लोग पास हो गए हो, फेल हो गए हो, बैक आई है या नहीं, ठीक है। और मेरा रिज़ल्ट जो है वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे दो सब्जेक्ट के मार्क्स अपडेट हो चुके हैं और उनमें मुझे कितने मार्क्स मिले ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर जिसको नहीं पता तो जाके देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हाउ टू चेक योर इग्नू रिज़ल्ट। बहुत बच्चों को रिज़ल्ट चेक करने में दिक्कत होती है, वो अपने रिज़ल्ट जो है वो चेक नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे चेक करें कैसे नहीं करें। तो देखो आप लोग सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, दो मेथड हैं बहुत ही सिंपल से। या तो आप खुद से जाके गूगल खोलोगे, ठीक है। गूगल खोलने के बाद आपको लिखना है इग्नू जून 2023 रिज़ल्ट, ठीक है। सर्च करोगे, सबसे पहला वाला जो होगा ना उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहला वाला जो है उस पर आपको क्लिक करना है और वो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। वो पेज ओपन होने के बाद वो आपसे आपका इनरोलमेंट नंबर मांगेगा, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर आप लिखोगे, अगर आपको इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद लिखा आ रहा है इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, इसका मतलब आप लोगों का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। अगर आप लोगों का लिखा आ रहा है इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, इसका मतलब कि रिज़ल्ट नहीं आया है। ज़्यादा सोचना मत कि अरे मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन बाद चेक करना, अपडेट हो जाए, क्या पता आपके मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप लोग देख रहे हो कि मेरा आ गया है रिज़ल्ट, तो उसके सामने आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे, सब्जेक्ट कोड दिख जाएगा और आपके कितने मार्क्स आए ये दिख जाएगा, डेट भी लिखी होगी कि वो कब पब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो कुछ दिख जाएगा आप लोगों को, तो इस तरीके से आप लोग अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग जब अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं वो गलत लिंक पे चले जाते हैं, वो गलत चूज़ कर लेते हैं, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, लिंक डाल दिया है। आप उस पर सिर्फ क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप सीधा उस पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको रिज़ल्ट चेक करना होता है, ठीक है। तो आप लोग लिंक के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को खुद से सर्च करना हो कभी तो आप खुद से सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल रही होगी। बहुत बच्चे इस चीज़ में इशू फेस करते हैं कि हाउ टू चेक रिज़ल्ट, तो इसलिए मैंने बता दिया है कि आप लोग कैसे रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक दे दिया है, अगर आप लोग खुद से सर्च नहीं करना है तो आप लोग डायरेक्ट लिंक पे जाके भी कर सकते हो, बट आपको आना चाहिए खुद से भी रिज़ल्ट अपना चेक करना, इसलिए मैंने आपको पहला मेथड बताया है। और दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है तो आप लिंक पे जाके डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो देखो प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की थी, लाइक बच्चों को सही नंबर नहीं दिए गए हैं, उनको बैक दी गई है, कॉन्टिन्यू वो दो तीन साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन उनको फेल किया जा रहा है, सही से नंबर नहीं दिए जा रहे हैं जितने देने चाहिए, वो पेपर में अच्छे से लिख के भी आ गए हैं फिर भी आप लोग उनको बेकार नंबर दे गए हो, दो नंबर तीन नंबर। तो ये चीज़ इग्नू वालों पे बहुत लोग बोल गए हैं इस चीज़ को लेके। सो आई होप कि इस चीज़ पे थोड़ा एक्शन लेना चाहिए क्योंकि बहुत बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है। हर किसी पे इतने पैसे नहीं होते कि हर कोई अपनी शीट जाके चेक करवाए, है ना, और इतने पैसे भी नहीं होते कि वो बार बार एग्ज़ाम दे सके, ठीक है। एक तरह से आपका पैसा वेस्ट ही होगा है फिर। तो ये चीज़ बहुत बच्चों ने बोली थी कि MCQ वाला पेपर दिया था हमने और हमारे जो है वो 21-22 नंबर बन गए थे जब हमने घर आके चेक किया उसके आंसर्स को, तो हमारा था 21-22 तो आ ही जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने हमें 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर इतने नंबर दिए हैं। तो इसका तो एक ही मतलब है कि जो आपकी शीट है वो ढंग से चेक नहीं की जा रही है, जो भी है वो ऐसे ही करे जा रहा है, अपने हिसाब से नंबर दिए जा रहा है, ठीक है। जब आप अपना रिज़ल्ट चेक करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब भी आप अपना रिज़ल्ट चेक करोगे उसके बाद आप लोगों को दिख जाएगा कि अगर आप लोग बैचलर डिग्री वाले हो तो 50 में से आपके 18 नंबर आने ही चाहिए तभी आप पास होगे, 18 और 18 प्लस तो आप लोग पास हो, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके 18 प्लस मार्क्स आ जाओ, अगर आप सब लोग पास हो जाओ, क्योंकि यार बहुत झमेला होता है कि बार बार बैक आए और फिर हम बार बार फॉर्म भरें, बार बार पेपर दें, तो इग्नू की ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत दिक्कत होती है, पास आसानी से भी सब नहीं हो पाते हैं। और सबसे ज़्यादा इशू जो है
वो लोग फेस करते हैं जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं, जो लोग थोड़ा ऐसा कोर्स ले लेते हैं जो टफ होता है, लाइक बीएससी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें लेके बच्चा फंस जाता है। लेकिन अगर आप आर्ट्स वाले हो ना, तो आर्ट्स वालों को ये लोग फ्री के नंबर दे देते हैं, लेकिन जो साइंस वाले होते हैं उनकी शीट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैसे चेक की जाती है और उन्हें गंदे नंबर ही दिए जाते हैं। तो जाओ और जाके अपना रिज़ल्ट चेक करो, इस मेथड के हिसाब से आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हो, ठीक है। और अपना जो भी मार्क्स आप लोगों के आए हैं कमेंट करके बताओ, जैसा भी आप लोगों को लग रहा है कमेंट करके बताइए। एंड मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओ। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन देखो मैं भी कर रही हूँ और आप लोग भी कर रहे हो, तो आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है मुझे ये भी बताना कमेंट करके। और अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो अच्छा है, ठीक है। इतना मत सोचना इस चीज़ को लेके कि फेल हो गए हैं तो टेंशन में मत आना, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, हो जाएगा सब, कोई बात नहीं। इस चीज़ पे देखो क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे पता है कि इस चीज़ से बच्चा बहुत परेशान हो जाता है जब उसकी बैक आ जाती है किसी सब्जेक्ट में, और अगर आपकी सारे ही सब्जेक्ट में बैक आ जाए तो ये बहुत ही बेकार चीज़ लगती है फिर। तो मेरे दो सब्जेक्ट के मार्क्स ही अभी अपडेट हुए हैं और दोनों के मार्क्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में मेरे जैसे जैसे मार्क्स अपडेट होते जाएंगे मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। मैं दोनों ही सब्जेक्ट में पास हूँ, लेकिन आने वाले सब्जेक्ट में देखते हैं कितने देते हैं मुझे वो लोग मार्क्स, कितने नहीं देते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि आप लोग अच्छे हों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय।